हम बिहार से गोपालगंज जिले से हैं जी। अब मेरा ब्लॉक पड़ता है विजयपुर, गांव का नाम खुटहा है जी। और ये मशीन ले गए थे रेपर, अभी मार्च के महीने में ले गए थे पिछले इस साल में, और ले गए इसे खूब बढ़िया तरह से हम जिसे गेहूं के फसल को कटाई किए जी। और बहुत बढ़िया शानदार मशीन चली है जी। और 500 ग्राम तेल यानी 50 रुपए के तेल में ये मेरा 30 कट्ठा का गेहूं का फसल काटा है मशीन। और बहुत टफ का मशीन है, बहुत बढ़िया चल रहा है, इसे बहुत मेरे को फायदा है। मैं गाँव में से लेबर जो खोजते हैं गेहूँ काटने वाले, वो नहीं मिलते हैं मेरे को। अच्छा, अब मेरे से मशीन गया है तो इससे मैं कटवाता हूँ। अब बहुत बढ़िया मशीन चल रहा है जी, और कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मेरे को टाइम भी बचता है, पैसा भी कमा लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, आपका अपना निरंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं दोबारा से आ गया हूँ RBD मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। दोस्तों यह कंपनी किसान भाइयों के लिए बहुत ही शानदार अलग अलग तरह के कृषि यंत्र किसान भाइयों को समय समय पर उपलब्ध कराती रहती है। दोस्तों आज अपने हमारे सामने आप देख रहे हैं पावर रीपर मशीन। दोस्तों यह पावर रीपर मशीन अनेक प्रकार की फसलें काटती है। और दोस्तों इस समय आ गया है धान का सीजन, किसान भाइयों को फसल कटाई के लिए पावर रीपर मशीन की जरूरत होती है। रीपर में दोस्तों इसकी खास ये है, ये ग्रीस कंपनी का इसमें इंजन लगा हुआ है और बहुत ही शानदार है। क्या क्या काम करता है ये पूरी जानकारी लेते हैं भूपेंद्र जी, जो इस कंपनी के मैनेजर हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार भूपेंद्र जी। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। जी नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं भूपेंद्र कुमार टेलर आपके लिए फिर से एक बार RBD मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम चाफ कटर, पावर रीपर और भी अनेक जो कृषि उपकरण होते हैं कंपनी उनमें काम करती है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ RBD का पावरफुल पावर रीपर, जो किस तरीके से कौन कौन सी फसल कटाई करता है, क्या इसकी खास बात है, सब कुछ चीज़ों की जानकारी मैं आपको डिटेल में आपको पूरी आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी जानकारी मैं आपको इसमें आपको आज मैं आपको बताता हूँ जी। बता देता हूँ निरंकार जी, ये मशीन मल्टीपर्पज़ है। अच्छा, मल्टीपर्पज़ मतलब कि मशीन एक है लेकिन लगभग सभी फसलों की कटाई करता है जी। जैसे बताता हूँ, आपका गेहूँ हो गया, जो हो गया, धान हो गया, रचका हो गया, बरसीन हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, ये सभी फसलों की कटाई बड़ी आसानी से करता है जी। इसमें अपने पास में पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट उपलब्ध हैं। इसमें जो लोहा लगा हुआ है, मैं बता देता हूँ किसान भाइयों, जो लोहा लगा हुआ है वो टाटा स्टील का लोहा लगा हुआ है, जिसमें ना जंग लगने का कोई समस्या नहीं है, पहली बात तो ये। अच्छा, मजबूती के लिए टाटा, आपको पता है टाटा का क्या काम है, टाटा कंपनी का लोहा या टाटा का ब्रांड हो गया, बिल्कुल, तो मतलब वो क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं लोहे में, बिल्कुल। हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं इसकी बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा, हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं इसकी बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग में, इसीलिए हम टाटा का लोहा इसमें यूज करते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो टाटा के लोहे की जैसे आपने जिक्र किया है जी, तो इसमें किसान भाई कैसे जांच करेगा इसकी कि टाटा का ही है ये? सर टाटा का लगा बायकायदा ISI मार्का हम दिखाएंगे टाटा किसान को। अच्छा बिल्कुल, अभी भी दिखाएंगे, पीछे भी दिखाएंगे, आगे भी दिखाएंगे, ISI मार्का टाटा, बिल्कुल एम्बोजिंग रहेगी उस पे जी, ऐसा नहीं कि एम्बोजिंग नहीं रहेगी। अच्छा, ब्लेड भी इसमें यूज की हुई है, वो टाटा के लोहे की बनी हुई हाई टेम्पर की ब्लेड हमने यूज की हुई है इसमें जी। अच्छा जी, अब सर जैसे कि मैं बात करता हूँ, इसके टायर बहुत शानदार दिए गए हैं जी। टायर ये अलग प्रकार के देने का क्या कारण है इसके अंदर? मैं आपको बता दूं निरंकार जी, हम जो टायर देते हैं इसमें वो TVS का टायर देते हैं जी। जी, इसकी चौड़ाई लगभग 7 इंच चौड़ाई आएगी जी, 18 इंच इसकी हाइट आएगी सर जी। अब बात करते हैं इसके दिल इंजन के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने, जब दिल ही सही नहीं होगा हमारा तो हमारा ना बॉडी काम करेगा ना मशीन काम करेगा सर। जब मेरी बॉडी दिल ही मेरा सही नहीं होगा तो कैसे काम करेगा, शरीर काम ही नहीं करेगा सर। तो आपने इसमें कौन सा इंजन का इस्तेमाल किया, थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ सर, जिस कंपनी का इंजन हम यूज कर रहे हैं ग्रीस कॉटन कंपनी है। अच्छा, जो की भारत के आजादी से 100 साल पहले की कंपनी है लगभग, मतलब आजादी से भी पहले, बिल्कुल 1859 का ये कंपनी है ग्रीस कॉटन जी, और भारत का अर्ध सरकारी कंपनी है। अच्छा सर, जैसे कि बात करते हैं, देखो डीजल के दाम दिन रात बढ़ रहे हैं, आप भी जानते हो पेट्रोल डीजल डेली बढ़ रहे हैं, किसान परेशान है जी, क्योंकि जब डीजल ज्यादा महंगा हो जाएगा तो किसान की बदतर हालत हो जाती है, और दिन रात होने पे ये जी किसान तो अपने घाटे में चल रहा जी जी। तो ये बताइए, ये डीजल घंटे का कितना लेगा और कितनी फसल काटेगा? सर देखो इसमें स्पीड दी गई है जी, अब घंटे के हिसाब से नहीं, मैं आपको तो 1 एकड़ में 1 लीटर डीजल खाएगा लगभग सर ये आपका। अच्छा, 1 एकड़ की कटाई कर देगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 1 घंटे में लगभग 1 एकड़ कटाई कर देता है, आपका 1 लीटर से कम ही डीजल लगेगा। अच्छा, 1.5 लीटर पे हमारी टेस्टिंग है, लेकिन मैं आप मान के चलता हूँ कि ऑपरेटर होता है चलाने वाला, जो ऑपरेटर होगा चलाने वाला, जो मेरे किसान भाई होगा जी, किसी का चलाने का तरीका अलग होता है, किसी का कैसे होता है जी। तो लेकिन आप मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर में आपका 1 एकड़ तक का कटाई आराम से इजिली कर देगा सर ये। अच्छा अच्छा, अब जैसे कि बात करते हैं सर इसकी बेल्ट के बारे में, मान के चलो किसान फसल कटाई कर रहा जी, कुछ इसमें बेल्ट में दिक्कत हो गई,
तो इसमें कैसे वो इसका सही करे या किस प्रकार की बेल्ट है, थोड़ी ये बताइए थोड़ा सा। मैं आपको बता देता हूँ शर्मा जी, जी कि बेल्ट है ना, बेल्ट सर जी, ये बेल्ट ऐसा तो है नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा क्या नाइलोन हल्का सा बढ़ सकता है बिल्कुल। पीछे इसमें से सिस्टम दिया गया है जी स्क्रू से, इन बोल्ट से आप इसको टाइट कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ से बोल्ट से आप, अच्छा ये बोल्ट दिए हुए इसे पट्टा कम ज्यादा, ये नाइलोन का है जी, ये नाइलोन का है जी, ये फ्रेश नाइलोन का है, वर्जन लाइनों जिसके बोलते हैं, एक तो रिसाइकल प्लास्टिक को गला के दोबारा बनाते हैं जी, उसका क्वालिटी थोड़ा डाउन रहता है। अच्छा ये हमने जो बनाया है वो फ्रेश प्लास्टिक का बनाया है सर। अच्छा इसे कोई टूटने फूटने की दिक्कत नहीं रहेगी जी। एक मेरे किसान भाइयों की बहुत मतलब सबसे ज्यादा इंक्वायरी होती है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, वो पूछते हैं कि सर जमीन से कितना ऊपर काटेगा। अच्छा कि जमीन से कितना ऊपर काटेगा। किसान भाइयों मैं आपके सामने अभी ये मशीन रखी हुई इसी तरीके से आगे टिक्के मतलब रख के ही चलेगी, आगे उठ के उठ नहीं चलेगी बिल्कुल। ये मेरी तीन एंगल भी इसके अंदर नहीं जा सकती, ये अच्छा। ये देख सकते हैं आप मेरी यहाँ से, मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगा, थोड़ा सा इजी दिखेगा बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी तीन एंगल जा नहीं रही है, सिर्फ मेरे ये दो एंगल जाएंगे सर, बिल्कुल सही बात, ये दो जाएंगे, तीन एंगल मेरे जाएंगे नहीं जी। तो ये दो एंगल से काटती है, लेकिन खेत ऊपर नीचे होता है, मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ कि तीन सिर्फ इतना मतलब एक से डेढ़ इंच मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, एक से डेढ़ इंची मजदूर भी एक इंच पे काटता है, एक से डेढ़ इंची मजदूर भी काटता है बिल्कुल, उतना ही सेम मशीन। मैं कहूंगा कि सर आप मशीन से काट के मशीन को कहीं छुपा दीजिए और किसी चौथे आदमी को खेत में लेके आइए और बता उससे पूछिएगा कि ये मशीन से काटा गया है या मजदूरों से कटाई किया हुआ है। अच्छा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई आदमी ये नहीं बोल सकता है कि मजदूरों से कटा हुआ है मशीन, क्योंकि मशीन काटा हुआ अधिकतर मशीन ऊपर से काटती है। ये बहुत बड़ी समस्या है भारत में, जो किसान है हम क्या है कि सर बहुत अच्छे दिल के आदमी होते हैं भारत के बिल्कुल जी, वो क्या करते हैं खुद खाना खाते हैं तो अपने पशु अपने जानवर होते हैं उनके चारे के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं बिल्कुल जी, बहुत चिंता करते हैं बिल्कुल, दिन बे दिन चारे की समस्या है, तो उसकी समस्या का समाधान के लिए चारा उनको चाहिए, यदि ऊपर से काटेगा तो चारे का नुकसान होगा ही होगा सर, चाहे धान के पुआल का माने चाहे ज्वार का माने चाहे बाजरे का माने, तो उसके लिए भी सबसे अच्छा फायदेमंद है कि नीचे से काटेगा तो चारे की बचत होगी सर आपके जी। अब सर जैसे क्या आपने बताया कि चारा बहुत बढ़िया काटेगा बिल्कुल, तो चारे को किस क्वालिटी के साथ डालता है जमीन पर काट कर, कैसे डालता है, बराबर में डालता है या साथ में लेके चलता? देखो है? शर्मा जी मैं आपको एक बात बता, यदि मेरी मशीन आगे पीछे या बिखेर के डालेगी ना तो किसी भी प्रकार की कोई भी दुनिया में कोई मशीन वो मशीन काम की ही नहीं है। अच्छा मशीन वही है जो प्रॉपर तरीके से लाइन से गिरा है जी, मशीन वही है जो प्रॉपर तरीके से पूरा परफेक्ट लाइन से गिरा है बिल्कुल, क्योंकि जैसे गेहूं होता है बांधना पड़ता है अपने बिल्कुल को, जी बिल्कुल, धान का पुआल उसको धान को थोड़ा सुखाना पड़ता है अपने जी, को बिल्कुल, सबकी अलग अलग व्यवस्थाओं के हिसाब से अपन सारा काम करते हैं जी, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट लाइन से ही गिराएगा सर ये। अच्छा जी, अब सर जैसे कि बात करते हैं हम इसके गियर के बारे में जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे चूहे जो है खेत में गड्ढे कर देते हैं बड़े बड़े जी जी जी, तो वो हमें बैक गियर भी लेना पड़ता है, वहाँ फसल हमारी जो है ऊंची बड़ी कर देते हैं काट देते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या इसे बैक गियर वगैरह भी सही तरीके से लगा सकते हैं हम, क्या है सिस्टम इसके अंदर, कितने गियर दिए गए? बिल्कुल निरंकार जी मैं आपको बता देता हूँ कि मशीन का ऑपरेशन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसको पुरुष ही चला सकते हैं, इसको महिला भी अच्छी तरीके से मशीन चला सकती है। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, छोटे से बस दो या चार चीजें हैं, बाकी कुछ चीजें नहीं है, ये गियर दिए हुए हैं जी, ये केवल टायर घुमाने के लिए गियर है। अच्छा इसमें सिर्फ टायर आगे जाएंगे, ब्लेड आपका नहीं चलेगा। अच्छा। कटाई नहीं होगी, घर से खेत खेत से घर लेके आना तो आपका ये काम करेगा जी, फिर आपको यदि कटाई करना है तो ये वाला गियर आपका आगे लगेगा, इसमें दोनों गियर आपके ये आगे चले जाएंगे ऐसे जैसे, ठीक है, ये लेफ्ट के लिए राइट के लिए और एक्सीलेटर है, बस ये इजी ऑपरेशन है, पीछे करना है ये पीछे, इसको बस यूं दबा के रखना मशीन ऑटोमेटिक पीछे आ जाएगा। अब सर देखो जैसे क्या किसान भाई नया नया होता है जी जी, चलाना जानता नहीं, रीपर बहुत बढ़िया है बिल्कुल, और वो ये समझता है कि इसे कैसे चलेगा, थोड़ा सा ये बताइए कि वो कैसे कैसे काम करे और किस प्रकार से अच्छे ढंग से चला सके। देखो सर मैं शर्मा जी आपको एक बात बताना चाहूंगा जी, देखो मशीन है जी, मशीन का मतलब ये है कि उसको एक तो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करना आना चाहिए बिल्कुल, दूसरा उसका ऑयल ग्रीसिंग। अच्छा क्योंकि सर मेरी मेहनत का पैसा यदि लगा है जी, किसान की मेहनत का पैसा लगा है, मैं तो ये चाहूंगा कि लंबे टाइम तक उसका साथ में रहे मशीन बिल्कुल जी बिल्कुल, और उसका काम निकालता रहे बिल्कुल, हम इसका ध्यान रखेंगे तो ये अपना ध्यान रखेगी। अच्छा इसको प्रॉपर तरीके से ऑयल ग्रीसिंग हम करेंगे जी, आराम से चलेगी, छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं कहूंगा कि पूरे दिन काम करके सिर्फ 10 मिनट देना, मैं आपको किसान भाई बोलूं सिर्फ 10 मिनट आपको देना है मशीन के जी, लिए ये इतनी महंगी मशीन इतनी अच्छी मशीन आप ले रहे हो, मैं कहूंगा कि आप सिर्फ 10 मिनट का टाइम आप निकालिएगा जी, कुछ भी नहीं करना, ब्लेडों में हमेशा शाम को ऑयलिंग कर दीजिए थोड़ी बहुत जी, कभी भी काटने से पहले ऑयलिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर मवेशी क्या होता है ऑयलिंग करने से मवेशी चारे में थोड़ी स्मेल हो जाती है, थोड़ा वो चारे खाने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, रात भर में वो ऑयलिंग की स्मेल होगी वो उड़ जाएगी बिल्कुल, और वो दिक्कत नहीं करेगा बिल्कुल। ये आपका ये गेयर बक्सा दिया हुआ है। अच्छा इसमें 90 ग्रेड सवा लीटर ऑयल डलता है। अच्छा
सवा लीटर इसमें 90 ग्रेड जो अपना ऑयल होता है बिल्कुल 90 नंबर का जी वो इसमें ऑयल डलेगा। अच्छा इंजन है, इंजन में ऑयल डलेगा 20W40। अच्छा यदि आप कश्मीर हिमाचल और उत्तराखंड जहाँ बर्फ होती है उसको एरिया को छोड़ दें, यदि आपका कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड में आप ये मशीन लेते हैं तो वहाँ आपको 15W30 क्योंकि या 10W30 आपको डालना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे ऑयल जमने का समस्या ज्यादा रहता है। अच्छा। क्योंकि बर्फबारी होती है तो जी, वो जी। ग्रेड आपको वहाँ यूज करना पड़ेगा सर। अच्छा अब सर हम बात करते हैं ये देखो ये कितनी लंबाई है क्योंकि मजदूर जो है एक बार में कितना कटाई कर पाएगा इसका थोड़ा सा बताइए और इससे मजदूर के मुकाबले कितने समय के अंदर कितनी क्या काट बिल्कुल जी। इसकी चौड़ाई लगभग 56 इंची है सर। अच्छा इसकी 56 इंची चौड़ाई है जी और ये लगभग ये मान के चलना है कि सर 50 इंच के आसपास ये आपका कटाई करके चलेगा ऑलमोस्ट आप 4 फीट मान लीजिए। अच्छा हाँ ये कटाई करके आपका चलेगा सर। अच्छा जैसे कि मान के कितनी कटाई कर देगा ये सर एक दिन एक घंटे में एक एकड़ कटाई कर रहा है। अच्छा अब मशीन ऐसा आप कितने घंटे आप चलाते हैं वो आप पे निर्भर करता है सर। जैसे मशीन तो मना करेगी नहीं। अच्छा जैसे मान के चलो बिजनेस धान की कटाई होती है गेहूं की कटाई होती है जी, जी, उस टाइम मजदूर 800-800 रुपए रोज में भी हाथ नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल सर नहीं तो ये बताइए बिजनेस के पर्पज से कोई किसान भाई से ले ले तो 8 घंटे में जैसे लगातार पिता और बेटा दोनों चलाएं मेहनत करें तो कितना पैसा इससे जो है एक 8 घंटे में कमा सकते हैं। देखो सर जो कटाई होती है एक एरिया में जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे एरिया में 30 से 40 किलोमीटर का एरिया में मान लेता हूँ उसमें कटाई बिजाई एक साथ ही होती है। ऐसा है कि मशीन एक घंटे में एक एकड़ तक का कटाई करती है। बिल्कुल अब इसमें आप कितना चलाते हो आप पे डिपेंड करता है। जैसे बाप और बेटा दोनों या दो आदमी मिलकर चलाते हैं तो आप ये मान के चलो कि मशीन 15-16 घंटे चला सकता है आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सुबह 7 बजे से लेकर 8-9 बजे तक इसमें लाइट लगा के हम दे देंगे। अच्छा यदि किसी किसान को जरूरत है हम लाइट लगा के इसमें दे देंगे जी चार्जेबल LED और रात को भी आप रात में भी चला सकते हैं रात में भी चला सकता है। अच्छा कटाई सब में एक ही साथ होती है क्योंकि एक ही साथ बिजाई होती है बारिश होती है बारिश के बाद में बिजाई होती है तो कटाई सब एक एरिया में एक ही साथ होती है। वो 15-20 दिन महीना भर मान लेते हैं जी उस महीने भर में सारी कटाई लगभग हो जाती है। अच्छा अच्छा एक दिन में 25-30 हजार रुपए जी मैं कह रहा हूँ 25-30 हजार रुपए आराम से कमा सकता है यदि इसको बिजनेस के पर्पस से यदि मशीन ले रहा है तो। सर भूपेंद्र जी आप कंपनी के प्रतिनिधि हो जी मेरे पैर आप पे विश्वास कैसे कर लें किसान क्योंकि आप तो ये चाहते हो कि मेरी ज्यादा से ज्यादा मशीनें बिकें। बिल्कुल तो मैं कैसे विश्वास कर लूं और किसान कैसे विश्वास कर ले आपको बता देता हूं जी शर्मा जी जी मार्च में हमारे पिछले साल मशीन लेके गए थे वेदनाथ जी जो यहाँ पे आज दूसरी मशीन लेने आए हैं। अच्छा क्या लेने आए हैं वो आज वो देखो पहले ये वाली पावर रीपर लेके गए थे आज वो कुट्टी वाला चाफ कटर मशीन लेने आए हैं हमसे। अच्छा कुट्टी मशीन जी जी मैं उनको बुला लेता हूँ वैजनाथ जी आप एक बार आप आइए और खुद बताइए आप अच्छा कि क्या है और क्या नहीं है आपने मशीन यूज की है आपका एक्सपीरियंस बताइए मशीन के साथ में। अच्छा सब कुछ चीजें आप पूरी चीजें आप खुल के बताइए पूरी प्रॉपर तरीके से। तो वैजनाथ जी सबसे पहले आप कहाँ से हो ये थोड़ा सा परिचय आप जो ना मुझे अपनी लोकल भाषा में बताओ। हमारा घर किसान भाई कैसे विश्वास करेगा हमारा घर गोपालगंज जिला पड़ी विजयपुर हमारे ब्लॉक पड़ी अब विजय बिहार से हूँ अब मशीन ले गए बनी है बिहार के ले गए बनी यहाँ से ले जाके खूब बढ़िया के चलाइले बनी और 50 रुपये के तेल में आधा लीटर में 30 कट्ठा खेत कटले बनी गेहूँ के खूब बढ़िया खेत कटले एकदम जनिया लेबर जिसे काटते हैं जो काटते हैं उससे ही इसे काटे हैं हम बहुत बढ़िया काटे हैं और बहुत बढ़िया इसे हुआ है मेरा फसल काटने के लिए। अब फिर दोबारा आए मशीन एक और ले जाने के लिए। अच्छा जैसे ये मशीन जैसे हमारे पास है और एक काटने वाला जो है कि इसको ले जाने के लिए आए हैं अभी मशीन बुक किए हैं लेके जाएंगे साथ में अब घर पे ले जाएंगे कुटी मशीन ले जाएंगे पालते हैं घर पे पशु पालते हैं। अच्छा बढ़िया लगी मशीन आपको ये। हाँ बढ़िया लगी बहुत बढ़िया लगी और इससे बहुत मेरे को फायदा हुआ विश्वास है उसी उतना दूर से चल के मैं आऊं। अब ये बताओ जैसे क्या गेहूं के सीजन में किसान भाई या धान के सीजन में हाँ, भाई के पास समय नहीं होता किसान चाहता है कि मेरी जल्द से जल्द फसल कट जाए और मैं अगली फसल समय से बो दूं जिसमें कि मुझे अगली फसल में लाभ हो जाए जी जी। तो ये बताओ उस समय मजदूर एक बीघा के लिए कितना पैसा आपसे ले लेता आपने कटवाई होगी पहले भी 2,000-2,500 रुपया मांगता है उस समय दुगुना पैसा मांगता है और इस मशीन से हम 50 रुपये में काट देते हैं और दो लोग रहते हैं मेरे पिताजी रहते हैं हम चला लेते हैं चला के अपने टाइम से काट लेते हैं और दूसरे किसी को भी काट लेते हैं आ काट के उससे पैसे भी कमा लेते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया पैसा कमा फसल के समय 2,000 रुपये क्विंटल का रेट होता है गेहूँ का हाँ, तो आपसे तो वो 3 क्विंटल बिकेगी आपकी गेहूँ निकल रही है हाँ निकल रही है 1 क्विंटल बिकेगी गेहूँ आपसे ले गया 2,000 रुपये लेके चल जाता है ऐसा उससे तो बढ़िया बढ़िया आदमी नहीं रहा। तो आप ये बताओ कितने रुपए में इससे गेहूँ काट देते हो आप जो 50 रुपये में 50 रुपये के तेल में मैं 30 कट्ठा गेहूँ काट देता हूँ 50 रुपए में 30 कट्ठा गेहूँ काट देता हूँ। तो किसान भाइयों देखिए किसान भाई दावा कर रहे हैं और बिहार के गोपालगंज से आए हैं और अपनी आपको बिहार की लोकल भाषा के अंदर भी किसान भाई ने बताया। मैं अब तो आप विश्वास नहीं कर रहा था आप पे क्योंकि मैं किसान की बात सुनता हूँ किसान का बेटा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर तो इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने भाई जी ने मुझे दे दी जी। अब मैं बात करता हूँ देखो
अभी मैं किसान के लिए लड़ूंगा। जी जी बिल्कुल, किसान की जेब होती है ढीली। जी जी, कुछ सब्सिडी वगैरह आप इस पे दिलाओगे या नहीं? सर देखो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान है, जैसे राजस्थान का अलग है, तेलंगाना का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, कहीं 40% है, कहीं 50% है, कहीं 60% है, और कई कई राज्यों में सर 80% तक सब्सिडी है। 80% तो बहुत होती है। 80% तक भी सब्सिडी है अलग अलग राज्यों में। वो प्रोसेस हम पूरा आपको बताएंगे, अप्रूवल, टेस्टिंग रिपोर्ट सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। किसान भाई का ऐसा तो नहीं है ना कि सब्सिडी आप अकेले करवा पाएंगे ना सब्सिडी हम आपको अकेले करवा पाएंगे, दोनों का साथ लगेगा, मिलके ही सब्सिडी हमको करवाना पड़ेगा। बिल्कुल जी, 40-50% तो लगभग हर राज्य में सब्सिडी है ही है। बिल्कुल जी, तो अब ये बताइए क्या प्रोसीजर है सब्सिडी का, क्या क्या डॉक्यूमेंट किसान भाई को देने पड़ते हैं उस समय? सर जमाबंदी हो गया, खतौनी, कहीं खतौनी बोलते हैं, कहीं जमाबंदी बोलते हैं, कहीं खसरा बोलते हैं, आधार कार्ड हो गया, एक आईडी, कोई वोटर आईडी है या उसका ड्राइविंग लाइसेंस है जी, वो लगना है, उसकी कैंसिल चेक, या तो चेक कैंसिल हो या बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगती है। अच्छा, यहाँ अप्रूवल लेटर लगेगा, टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगी, पक्का बिल लगेगा, कोटेशन लगेगा। जी, किसान भाई इसे मशीन को लेना चाहता है, पसंद आ रही है जी, प्रक्रिया क्या है और कितना अमाउंट उसे बुकिंग अमाउंट करना होगा, और कंपनी में आना चाहे तो किस प्रकार से आ सकता है? देखो सर, 20% बुकिंग अमाउंट कराना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, बुकिंग का बाकी पैसा आपको भारत का एक एक कोना, आपका राज्य हो गया, जिला हो गया, तहसील हो गया, थाना हो गया, तालुका हो गया, गाँव हो गया, वहां तक पहुंचा के देने की गारंटी हमारी है जी, वहां तक फ्री ऑफ डिलीवरी है सर। दावा कर रहे हो वीडियो के अंदर? बिल्कुल, डिलीवरी का एक पैसा हम नहीं लेते, पहले भी नहीं लेते, चाहे आप आरबीडी कंपनी से, मैं आपसे आज भी कह रहा हूं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आप 1 रुपए की चीज लो चाहे 5 लाख रुपए की चीज लो, डिलीवरी का चार्ज हम पहले भी नहीं लेते थे, आज भी नहीं लेंगे और आगे भी नहीं लेंगे सर। घर तक पहुंचाओगे? घर तक पहुंचा के देंगे सर इस बात। अच्छा, अब सर देखो, आप कहोगे फिर निरंकार जी आप जो है कुछ ना कुछ मुझसे मांग रहे हो। जी जी, अब फिर मांग रहा हूं आपसे मैं कुछ। बिल्कुल बताइए। ये मशीन तो ले लेगा किसान जी, अब मान के चलो किसान का कुछ और भी काम है, आप मेरे किसानों को आज कुछ उपहार दे दो, आप क्या दे रहे हो आज? दिनकर जी मैं आपको बता दूं, ये एक बैटरी स्प्रेयर है 2-in-1 जो लगभग 2800 रुपए कीमत का है। अच्छा, मैं ये स्प्रेयर आपको इस मशीन के साथ में फ्री मिल रहा है आरबीडी का। अच्छा जी, इसकी कीमत मार्केट में लेना चाहे तो कितनी होगी? 2800 से 3000 रुपए की कीमत रहेगी सर। बैटरी से चलती है या हाथ से चलानी पड़ती है? ये बैटरी से भी चलती है, और आपको लग रहा है कि मैंने 500 किलो का दवाई घोल लिया है और बैटरी खत्म हो गया, मैं क्या करूं? इसको आप मैनुअल हाथ से भी करके आपका काम नहीं रुकेगा। अच्छा, कि मैं वापस चार्ज करूंगा फिर मेरी दवाई खराब हो जाएगी, ऐसा काम नहीं होगा जी। आप इसको वैसे भी 2-in-1 है, इसको 2-in-1 मॉडल बोलते हैं इसको। अच्छा, एक बार चार्ज करने के बाद में 4.5 घंटे ही चलती है लगभग। अच्छा जी, तो लगभग किसान भाइयों का फसल का जो स्प्रे का तो काम हर फसल में रहता ही है। बिल्कुल, वो इसी फसल ले लो जी। टेक्निकल तेजस्वी किसान चैनल से आप यदि बुकिंग करवाते हैं तो ये स्प्रे का मशीन आपको फ्री दिया जाएगा सर। अच्छा, प्रॉपर तरीके से मैं कह रहा हूँ, आज ही नहीं, यदि ये वीडियो आपका 4 साल बाद में देख के मुझे कोई बोलता है तब भी ये मशीन के साथ में फ्री दिया जाएगा जी, ये मेरा वादा है सर ये आपसे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो किसान भाइयों देखिए, आरबीडी कंपनी के जो भूपेंद्र जी हैं जी, ये किसान भाइयों के लिए कुछ अलग नया करते रहते हैं। मैंने आप सबसे पहले यही मांग करी कि किसान भाइयों को हर समय हर फसल के लिए स्प्रे पंप की जरूरत पड़ती रहती है, किसान जाएगा मार्केट से लेने तो किसान को पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो भाइयों मैंने आपके लिए आज स्पेशल ऑफर लिया है, आपको रीपर जो लेना है फसल कटाई के, उसके साथ में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, मार्केट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो किसान भाइयों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, स्क्रीन पर नंबर चले हैं, उनके द्वारा आप बुकिंग कीजिए, जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ लीजिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।